ये इसके ना, ये अगर आप देखें ना, ये फाइबर इसके बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट फाइबर है। तो ये जो है ना, ये आपकी सोलर को डैमेज भी नहीं करेगा और आपका सोलर की एफिशिएंसी भी बढ़ाएगा। इससे वो तकरीबन 20-30% जो है ना, इससे इंक्रीज हो जाएगी आपकी एफिशिएंसी। दो दिन बाद, तीन दिन बाद आपके बटन दबाने की देर है, आपने मोबाइल से टैप करना है, उसने जो है उसको साफ कर आता है। कि लोग कार वॉशर ले जाते हैं, 6 महीने बाद जल के जब वापस आता है या कोई मसला हो जाए उसके अंदर, तो उसका स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा होता। सोलर के लिए बड़ी बेहतरीन रहती है छोटी गन, ठीक है, 13 फुट तक प्रेशर के साथ देगी। वैसे तो इसकी किसी भी वॉशर है ना, उसकी थ्रो तकरीबन 25 फुट तक होती है, लेकिन 13 फुट वो थ्रो है जो प्रेशर के साथ है। उसके बाद जो थ्रो आती है वो प्रेशर वाली नहीं आती, वो आती है नॉर्मल जो पानी का हम छिड़काव लगा रहे हैं। ऑनलाइन मिलती है यार ये सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल के लोगों के लिए ना, 400 रुपए की आपको। इसके साथ हम लोग ये ब्रश देते हैं। इसकी खासियत क्या है, दिखने में तो एक आम रॉड है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि अगर आपको दिखा सके, ऑडियंस को दिखा सके, तो इसके यहाँ पे ना, ये आप देख रहे होंगे, ये इनलेट है, यहाँ से पानी जाता है और उसके बाद यहाँ से निकलता है। और ब्रश अगर हम लोग देखें, ब्रश हम इसके ऊपर इस तरह इंस्टॉल कर देते हैं, इसको घुमाते हैं और ये ब्रश के अंदर से पानी निकलता है, जिसकी वजह से आपका सोलर आराम से साफ हो जाता है। इस ब्रश की खासियत ये है कि इसके अंदर जो थ्रेड यूज हो रहे हैं वो बहुत ही सॉफ्ट है, जो आपके। अस्सलाम वालेकुम, बिजनेस मीडिया पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका मेजबान उसामा मिर्जा। बहुत से दोस्तों की पुरजोर फरमाइश के ऊपर आज मौजूद है दोबारा वसी भाई के पास, इनसे हम बात करेंगे और आपको ये बताते चलें कि जैसे ही सोलर की जो है इस्तेमाल कम होता है, सर्दियों की वजह से लोग जो है इसको भूल जाते हैं, लेकिन जैसे ही इसको आप दोबारा जो टच करते हैं, आप इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं, तो इसके ऊपर इतनी डस्ट जमी होती है कि आपको वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। इसके हल के लिए हम मौजूद है वसी भाई के पास, जिनसे हम बात करेंगे सोलर को कैसे साफ़ किया जा सकता है। सोलर क्लीनर जो है मार्केट में बहुत महंगे महंगे मौजूद है, लेकिन आज हम लाहौर की एक ऐसी मार्केट में मौजूद है जो कि सुपर होलसेलर है, पूरे पाकिस्तान में यहाँ से माल डिलीवर करता है, चाइना से ये इंपोर्ट करते हैं डायरेक्ट और ये पूरे पाकिस्तान में होलसेल रेट पर माल बेचते हैं। अब हर घर के अंदर तकरीबन पाँच वाट या 10 kVA का जो सिस्टम लगा हुआ है सोलर का, जब तक आप उसे साफ़ नहीं करेंगे तब तक वो आपको कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं दे सकेगा, आपकी जो क्वालिटी है काफ़ी हद तक मुतासर हो सकती है। ऐसे ही भाई वसी भाई क्या कहना चाहिए। अच्छा उसामा भाई, सबसे पहले तो सोलर लोगों ने लगवा ली है। सोलर बेसिकली लोगों की आसानी के लिए आया था, कि बिजली बहुत महंगी हो गई है तो सोलर लगवाया है, तो सोलर की वजह से उनके बिजली के बिलों में कमी आए, काफ़ी हद तक कमी आई भी है लोगों की। लेकिन उसका मसला उनको क्या आ रहा है कि सोलर लोगों ने लगवा लिया, आपको पता है लाहौर एक ऐसा इलाका है या पूरा पाकिस्तान में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ जहाँ पे सोलर इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो मिट्टी होने की वजह से वो मिट्टी आके ना सोलर जो पैनल होता है ना उसकी शीट के ऊपर बैठ जाती है, और अगर उसको साफ ना करें तो जो आपकी एनर्जी प्रोडक्शन हो रही होती है सोलर, जो उस वक्त सपोज अगर आपकी 585 की प्लेट है तो वो 550 वाट बना रही है, जब उसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी तो उसको सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी, जब सनलाइट उसे प्रॉपर नहीं मिलेगी तो वो एनर्जी जो है प्रोडक्शन उसकी सही नहीं होगी, तो उसको साफ करना बहुत जरूरी है। एक दिन बाद, दो दिन बाद, मैं आए दिन देख रहा होता हूं, कभी कोई टीम कार वॉशिंग के लिए आ रही है, कभी सोलर वॉशिंग के लिए आ रही है, लेकिन ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो हम लोग जो है रेकमेंड करते हैं, हमारी चाइनीज से भी बात हुई है सारी, और उन्होंने हम लोगों को यही बताया कि आप कार वॉशर्स यूज करें। कार वॉशर्स जो है इस वक्त मार्केट में हुंडई के परे हुए हैं, पाइनियर के परे हुए हैं और बेशुमार और ब्रांड परे हुए हैं, लेकिन उनमें भी मसला ये आता है कि लोग कार वॉशर ले जाते हैं, 6 महीने बाद जल के जब वापस आता है या कोई मसला हो जाए उसके अंदर, तो उसका स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा होता। सही है। तो सबसे पहले तो वो इशू मैं आपका रिजॉल्व कर रहा हूँ, हमारे पास मियाँ ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन या pumps.pk पे जितने भी कार वॉशर परे हैं, लगे हुए हैं या परे हुए हैं, उन सारों का ए से लेके जी तक स्पेयर पार्ट मिलेगा। कभी आपको रिपेयरिंग का मसला हो तो हम उस सूरत में भी आपके साथ जो है तावन करेंगे और उसमें आपको रिपेयर करवा के भी देंगे। जी कौन सा कार वॉशर आप हमें जो सजेस्ट करेंगे, कौन सा बेस्ट, और सोलर वॉशर कौन सा बेस्ट है? अच्छा सोलर वॉशर सबसे पहले ना डिपेंड करता है आपका सिस्टम कितने किलोवाट का है। अगर आपका 3 किलोवाट का सिस्टम है फिर हम आपको आर्मेचर वाला जो कार्बन वाला वॉशर कहते हैं वो भी वो आपको रिकमेंड करेंगे। अगर आपका सिस्टम जो है कोई 15 या 20 किलोवाट का है तो फिर हम आपको और वॉशर रिकमेंड करेंगे, जिस तरह ये इंडक्शन मोटर वाला आता है डेरा कंपनी का, ये एक चाइनीज ब्रांड है, बहुत ही शानदार वॉशर है और इसको आप कमर्शियली भी यूज़ करें तो बड़ा अच्छा। तो उसके बाद अगर आप कोई 40 किलोवाट सिस्टम पे जाते हैं तब भी हम ये रेकमेंड करते हैं, जब आप इससे एक्सीड करते हैं ना फिर हम आप लोगों को जो कस्टमाइज्ड आपका प्लान है ना वो बना के देते हैं सोलर वॉशिंग के लिए, जिसमें हम लोग आपको नोजल्स इंस्टॉल करके देते हैं, आपकी पाइप की सारी फिटिंग करते हैं, पीछे पंप इंस्टॉल करते हैं कि ऑटोमेटिकली आपका सोलर धुल जाए, यानी दो दिन बाद, तीन दिन बाद आपके बटन दबाने की देर है, आपने मोबाइल से टैप करना है, उसने जो है उसको साफ कर दिया। सामा भाई, हम लोगों ने वॉशर खोल लिया डेरा का, तो बेसिकली ये दिखाने का मकसद ये है कि क्वालिटी वाइज इस वक्त इससे ज़्यादा प्रीमियम मार्केट में वॉशर आपको नहीं मिलेगा। इसका स्पेयर पार्ट ए से लेके जी तक, पंप टूट जाए, मोटर जल जाए, कुछ हो जाए, इसका स्पेयर पार्ट आपको मिल जाएगा हम लोगों से, ठीक है। इंडक्शन मोटर में आता है, 100% प्योर कॉपर है, ये एक इंटरनेशनल कंपनी है। देखिए वॉशर अभी पाकिस्तान में नहीं बन रहे तो ये आते सारे इंपोर्टेड है, ठीक है। इसमें जो है डेरा में नहीं, बाकी आपको मेरे पास 8,000 से लेके आपको 1.5 लाख रुपये तक
हर किस्म का वॉशर मिलेगा मेरे पास मार्केट में, जो वॉशर आपकी नजर पड़ती है ना वो वॉशर मेरे पास होगा, ठीक है। लेकिन मेरी मेरी अपने कस्टमर्स के लिए, आपके ऑडियंस के लिए और जितने भी लोग हैं सबको सिर्फ जो है ना मशवरा यही है कि वॉशर जब भी परचेज करें हमेशा स्पेयर पार्ट उसका मिलता हो, नहीं तो आफ्टर मार्केट गाड़ी वो लेके जिसका स्पेयर पार्ट ही नहीं मिलता हो, गाड़ी आपको पता लौड़ में लगनी लगनी है, अगर स्पेयर पार्ट नहीं मिलता तो उसका फायदा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये वॉशर भी इसी तरह है कि इसका स्पेयर पार्ट जिसका मिलता हो सिर्फ वही वॉशर लें, ठीक है। और हमसे अल्हम्दुलिल्लाह हम पाइनियर का बेचें, हम हुंडई का बेचें, हम डेरा का बेचें, हम कोई दूसरा थर्ड ब्रांड भी बेचें ना, हम तब बेचेंगे जब उसका स्पेयर पार्ट मिलेगा, हमारे पास स्पेयर पार्ट पड़ा होगा, ठीक है। अच्छा ये वॉशर मैंने आपको खोल के दिखा दी है, इसके साथ सबसे पहले सामा भाई ये पाइप है, ठीक है, इसको इसके साथ ना एक वॉल लगता है, वो मैंने वो आपने इसको रख देना है बाल्टी के अंदर, ठीक है, बाल्टी के अंदर रख के इसका एक पाइप आपने लगा देना है, ये नोजल इसके साथ लगेगी इधर, ठीक है, इसको आपने इसके साथ लगा देना, ये आपका पाइप चढ़ गया, ठीक है। फिर इसके साथ आती है छोटी गन, सोलर के लिए बड़ी बेहतरीन रहती है छोटी गन, ठीक है, 13 फुट तक प्रेशर के साथ देगी, वैसे तो इसकी किसी भी वॉशर है ना उसकी थ्रो तकरीबन 25 फुट तक होती है, लेकिन 13 फुट वो थ्रो है जो प्रेशर के साथ है, उसके बाद जो थ्रो आती है वो प्रेशर वाली नहीं आती, वो आती है नॉर्मल जो पानी का हम छिड़काव लगा रहे होते हैं, ठीक है। ये इसका तकरीबन 18 से 20 फुट का इसका पाइप है, और इसके पाइप की अगर आप क्वालिटी चेक करें तो ये क्वालिटी किसी भी ब्रांड के ना वॉशर में नहीं आती, ये पाइप की क्वालिटी, ठीक है। और ये 100% कॉपर में है, ये 1800 वाट में है, 1500 वाट में है, और हमारे पास पड़ा हुआ अवेलेबल है। अच्छा वसी भाई, इसकी अब प्राइस के ऊपर बात करते हैं, प्राइस क्या आने वाली, लोगों ने तकरीबन 10-10 लाख की सिस्टम लगा ली है, तो कौन सा ऐसा टूल बताने लगे जिसकी जिसके लगाने से सोलर की जो क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और डबल हो जाएगी? सोलर की देखिए आपकी एफिशिएंसी तो डबल नहीं हो सकती, लेकिन आपकी एफिशिएंसी जो है जो मिट्टी की वजह से कम हुई हुई है इससे वो तकरीबन 20-30% जो है ना इससे इंक्रीज हो जाएगी आपकी एफिशिएंसी, वो इस वजह से क्योंकि सोलर साफ होगा उसको पूरी रोशनी मिल रही होगी और वो पूरी जो है ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा होगा उस वक्त, तो ये आपके पास ये है। और इसके अलावा हमारे पास पाइनियर में है, डेरा में है। इसमें ये मुझे बताते चले कि इसमें ये जो ब्रश है और इसका जो ये लास्ट में आप दिखा रहे थे एल्युमिनियम रॉड है जो, हाँ जी, वो भी इसके साथ इंस्टॉल होकर मिलेगा। अच्छा ये मैं आपको एक चीज बता दूं, वैसे तो हम लोग जो है ना ब्रश इसको हम रेकमेंड करते हैं कि अगर नलका है उसके साथ आप चलाएं, लेकिन अगर आप वॉशर के साथ चलाना चाह रहे हैं फिर आप इसकी ये वाली नोजल उतार के उसको आप इसके साथ प्लग कर सकते हैं, लेकिन हम रेकमेंड नहीं करते, वो आपका काम करेगा लेकिन हम रेकमेंड नहीं करते। तो इसके लिए जो है नलके से आप लगाएं, प्रेशर होना चाहिए नलके का ताकि वो 12 फुट ऊपर जा सके, ठीक है। लोगों के घरों में आजकल का दौर हुआ है जिसमें हर घर के अंदर एक प्रेशर पंप इंस्टॉल है, तो जब भी वॉल खोलेंगे उनको प्रेशर से मिलेगा, उनके सोलर धुल जाएंगे। तो ये इसके ना ये अगर आप देखें ना ये फाइबर इसके बहुत ही सॉफ्ट फाइबर है, तो ये जो है ना ये आपकी सोलर डैमेज भी नहीं करेगा और आपका सोलर की एफिशिएंसी भी बढ़ा देगा। अच्छा इसमें ये अगर कोई सोलर वॉशर वॉश करने के लिए लेता है, छोटा सिस्टम है, उसे ये ब्रश और रॉड जो है ये कितने का मिलने वाला है? अच्छा वैसे तो ये ब्रश और रॉड ये मार्केट में कानों का लगाना चाहिए 12-13 हजार रुपए का बिक रहा है, ठीक है। लोगों ने इसमें लोकल मॉडल निकाला है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि वो आपके सोलर के पैनल को डैमेज कर रहा है। उसका जो ब्रश है ना, ब्रश का जो मटेरियल है वो आम झाड़ू लगाने वाला ब्रश है, उसके अंदर उन्होंने पाइप वगैरह लगा दी और कह दिया कि ये हमारा सोलर ब्रश है। वो 2500 रुपए का भी आपको हमसे मिल जाएगा, 1800 का भी मिल जाएगा, लेकिन वो थर्ड क्लास आपकी 25000 रुपए का एक पैनल है, आज के दौर पे 25000 रुपए का एक पैनल है 585 का, वो उसको डैमेज कर देगा। ये अगर आपने इसको हाथ भी लगाया, आपने सारा कुछ देखा, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, आपके सोलर को डैमेज नहीं करेगा। ये सिर्फ उतना मटेरियल इसका रखा हुआ है कि जो आपके सोलर के ऊपर से जो भी मिट्टी जमी हुई है ना उसको निकाल देगा बस। ये कितने का होने वाला रॉड ये ब्रश? हम इसको इधर मार्केट में रिटेल करें 10500 का, ठीक है। आपकी ऑडियंस के लिए जो ओवरऑल इंटरनेट पे अगर आप देखें तो आपको 12000-13000 से कम नहीं मिलेगा। हम लोग आपकी ऑडियंस के लिए 9500 रुपए का होलसेल करेंगे इसको, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ हमारा नया स्टॉक आ रहा है तो उससे भी रेट नीचे आएगा इंशाल्लाह ताला। और इसमें अब ये जो कार वॉशर है ये कितने का होने वाला, क्योंकि बहुत सारे दोस्त है जो घर में जो अपनी गाड़ियां जो वॉश करना चाहते होते हैं उनके लिए कितने लगा के ना मुझे भी फसाएंगे, मेरे अपने रिश्तेदार भी देख रहे होंगे वीडियो, ठीक है ना। उनको मैंने बताया नहीं हुआ कि हम लोग वॉशर भी मंगवा रहे हैं बेच रहे हैं, तो वॉशर हमारे पास 8000 रुपए से लेके 1.5 लाख तक वॉशर हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ तक के जो सर्विस स्टेशन में लाहौर में आप सर्विस स्टेशनों पे जो वॉशर देख रहे हैं वो सारा वो वॉशर भी हम लोग बना के बेचते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं प्लंजर पंप, वो भी हम लोग क्योंकि हमारा काम ही सारा पंपिंग से रिलेटेड है। हमारी वेबसाइट ही pumps.pk है, जो पाकिस्तान में आपको अगर आपने उसमें रेट भी चेक किए होंगे तो वही रेट है जो मार्केट के रेट है, और उसमें हम डिलीवरी भी दे रहे हैं लोगों को। तो ये आप हमारी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं pumps.pk, या आप हमारे जो है फिजिकल स्टोर जो है मियां ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ब्रांच रोड लाहौर पे वाकिया है। अभी हमारी नई ब्रांचेस कराची और इस्लामाबाद में आ रही हैं, ठीक है इंशाल्लाह ताला, लेकिन अभी फिलहाल लाहौर से ही हम लोग सारी शिपिंग। अब जो फाइनली प्राइस कितने वाली है? सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑडियंस के लिए ये आपको मिल जाएगा 23000 रुपए का, सिर्फ और सिर्फ 23000 में। ये डेरा का वॉशर ये मजाक नहीं है, ये हम लोग 28-28000 रुपए का रिटेल कर रहे हैं, 23000 में फाइनल मिल जाएगा। हाँ जी मिल जाएगा आपको जी। ये मेरी ऑडियंस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एक वॉशर है जो मेरे ख्याल से लाहौर की जो ऑडियंस है
बड़ी बेहतरीन जो वेल सेटेड है, जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, जो अपने घर में मुलाजमीन से ही जो अपनी गाड़ी वॉश करवा लेते हैं, उनके लिए बेहतरीन ये जो टूल है उनको घर बैठ के अपने अपने सिस्टम को बेहतर रख सकते हैं, अपनी गाड़ियों को अप टू डेट रख सकते हैं। और जो सोलर की, जो सोलर के रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रोडक्ट है उनके लिए भी ये बेहतरीन आइटम है, जिन जो यूज़ करके आप अपनी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ अपने मेज़बान उसामा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।